2024 के पहले BULD वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और आपके निवेश का सफर सरल और आसान रहे। आज आपको हम बताएंगे कि क्यों निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं बना पाता है, कहां वो गलती कर जाता है। ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में अलग अलग एसेट क्लास का रिटर्न कैसा रहा, किसने सबसे अधिक रिटर्न दिया, किसने सबसे कम। सबसे ऊपर स्मॉल कैप 44.9%, मिड कैप 42.5%, इंटरनेशनल 25.1%, लार्ज कैप 17.8%, गोल्ड 12.3%, क्रेडिट रिस्क 9.3%, जीसेक 7.7%, कॉर्पोरेट बॉन्ड 7%, टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स 4.3% और रियल एस्टेट 2%। तो बेसिकली इक्विटी ने बाकियों से बेहतर रिटर्न दिया है और इक्विटी में भी स्मॉल कैप सबसे आगे है। HT Mint हर साल के एंड में एसेट एलोकेशन क्विल्ट पब्लिश करता है, जिसमें वो निवेश के अलग अलग कैटेगरी और विकल्प के टॉप 10 परफॉर्मर की लिस्ट देता है। हालांकि इसे वो लोग एसेट एलोकेशन क्विल्ट कहते हैं, लेकिन इस 10 की लिस्ट में इक्विटी जो कि एक एसेट क्लास होगा उसकी सब कैटेगरी जैसे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप को सेपरेटली दिखाता है। मिंट इसे क्विल्ट क्यों कहता है? क्विल्ट एक तरह की रजाई होती है जो अलग अलग कपड़ों से बनाई जाती है। दिखने में वो कैसे दिखती है देखिए, थोड़ी देर में जब हम आपको HT Mint वाला क्विल्ट दिखाएंगे तो आपको रिजेम्बलेंस समझ में आएगा। अब सवाल कि हम ये नंबर्स आपको क्यों दिखा रहे हैं, बताते हैं। पहले वापस से 2023 की लिस्ट को देखिए। कईयों के मन से आह निकली होगी कि अरे यार, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में सारा पैसा डाल देते साल की शुरुआत में तो क्या ही कमाल हो जाता। लेकिन 2023 की शुरुआत में किसको पता था कि स्मॉल कैप स्मॉल नहीं बल्कि लार्ज रिटर्न देगा, है ना। और ये जो आह भर रहे हैं वो जरा 2022 की भी लिस्ट देख लीजिए। 2022 में क्या हाल था? स्मॉल कैप इस लिस्ट में 9वें नंबर पर था -1.8% के रिटर्न के साथ, और 2021 में ये टॉप पर था वापस से 62% के रिटर्न के साथ। एकदम छोटू से बच्चे की तरह उछल कूद करता रहता है। अब आइए नजर डालते हैं पिछले 11 साल के डेटा पर। दिख रहा है ना ये थोड़ी देर पहले दिखाए गए क्विल्ट की तरह? इस लिस्ट में देखिए 11 साल में स्मॉल कैप 5 बार टॉप पर रहा है, 3 बार 10वें नंबर पर, 2 बार 9वें नंबर पर और 1 बार ये 5वें नंबर पर। लार्ज कैप टॉप पर नहीं रहा है पिछले 11 साल में, लेकिन टॉप 5 में 9 साल रहा है। 12.3% के रिटर्न के साथ गोल्ड इस साल 5वें नंबर पर है, लेकिन 11 साल में 6 बार टॉप 5 में रहा है, उसके बाद बॉटम 5वें। और रियल एस्टेट अधिकतर वक्त वो नीचे बिताते हैं। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि आपको हम ये डेटा, ये नंबर्स क्यों दिखा रहे हैं। आपको हम ये दिखा रहे हैं आपकी उसी गलती को बताने के लिए जो आमतौर पर आप निवेश में करते हैं, साथ ही एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस, महत्ता को समझाने के लिए। अगर देखिए तो हर कुछ साल में एक थीम, एक एसेट क्लास या फिर एक मार्केट कैप का वक्त जो है वो वापस लौट कर आता है। जैसे 2014 में, 2017 में, 2020, 21 और 23, इन सब में स्मॉल कैप चला है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप पिछले कुछ सालों में नंबर 3 पर बना हुआ है, वैसे ही मिड कैप का भी हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक फंड की कैटेगरी या फिर एक एसेट क्लास चुन रहे होते हैं तो आप इस बात पर ध्यान ना दें कि इस समय वो कैटेगरी कैसे कर रही है। आपके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 2-3 तरह के एसेट क्लास हो, एक एसेट क्लास में सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो। एक नहीं चलेगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा काम करेगा। और एसेट क्लास चुनने के बाद आप लगातार साल दर साल निवेश करते रहें। अगर 10-15 साल तक निवेश करते रहेंगे तो आपका निवेश, आपका पोर्टफोलियो इतना रिटर्न देने की क्षमता रख सकता है कि आपके सारे लक्ष्य पूरे हो जाए। लेकिन आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? स्वाति मैम, सबसे बढ़िया फंड बता दीजिए जिसमें सबसे अधिक रिटर्न मिले। और सबसे अधिक और सबसे बढ़िया की तलाश, यही आपको सही निवेशक बनने से और अच्छा रिटर्न कमाने से रोकती है। तो दो शब्द, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, इन दोनों को समझिए और सही तरीके से निवेश कीजिए। चलिए अब आप बताइए कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, आपकी निवेश की रजाई किस तरह के और किस किस एसेट क्लास से बनी हुई है। कमेंट करिए या फिर आप मेल कीजिए ask@bwealthy.co.in पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे और BWealthy सब्सक्राइब करने का ये एकदम सही वक्त है।
याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। एक बार फिर आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।